हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूँ ऋषि श्रीवास्तवा और चलिए देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्रिप्टो न्यूज़ और क्रिप्टो अपडेट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप ओपन किया है और आप देख सकते हैं BTC इथीरियम पिछले 1 घंटे में फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में BTC ऑलमोस्ट 2% अप है, इथीरियम भी 2% अप, सोलाना 3% अप, रिपल 24 ऑलमोस्ट 7 डेज में रिपल फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। पर इंटरेस्टिंग है आज का एक इम्पोर्टेंट मीम कॉइन डोज कॉइन, जो कि पिछले 24 घंटे में ऑलमोस्ट 7% अप है। हम देखते हैं, उसका रीज़न भी है, उसका रीज़न है। तो उसका पहला पहला न्यूज़ देख लेते हैं जो कि हमको बताएगा कि आज डोज क्यों ऊपर है। डोज कॉइन जम्प्स 7% एज मस्क टाउट्स डोज एट ट्रम्प्स पेंसिल्वेनिया कैंपेन। सो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, डोज कॉइन जम्प लेट US आज थर्सडे एज ऑन्टरप्रनोर इलॉन मस्क फर्दर रिवील्ड प्लान्स फॉर हिज प्रपोज्ड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी एट पेंसिल्वेनिया टाउन हॉल। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी शॉर्ट, अगर हम उसको एब्रिवेट करेंगे तो वो डोज बन जाएगा। तो इसी की वजह से डोज कॉइन आज ऑलमोस्ट 7% अप है। तो जैसे कि आपको अगर नहीं पता है, तो इलॉन मस्क प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं इस इलेक्शंस में, और रिसेंटली आज एक मीटिंग हो रहा था पेंसिल्वेनिया में, कल, सॉरी, हाँ, हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से कल हो रहा था वहाँ पे मीटिंग पेंसिल्वेनिया में। और वहाँ पे किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा, इलॉन मस्क से, कि आप इस डिपार्टमेंट का पार्ट बनोगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ डोज, तो हाँ, तो उस वजह से आज डोज ऑलमोस्ट 7% ऊपर है। और द प्रपोज डिपार्टमेंट एब्रीविएटेड एज डोज विल सीक टू मेक गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑफ टैक्स पेयर मनी मोर एफिशियंट वाइल स्ट्रीमलाइनिंग डिपार्टमेंट्स दैट हैंडल स्पेंडिंग। सो बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट होगा वो लोगों का टैक्स, जो सिटीजन्स होते हैं, US सिटीजन्स, उनका टैक्स पेयर मनी मनी को एफिशियंटली स्पेंड करना, कहाँ पे कौन से सेक्टर्स में स्पेंड करना पड़ेगा, वो सब ये जो डिपार्टमेंट होगा वो डिसाइड करेगा। देख लेते हैं आज का दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़। आइगन लेयर ट्विटर अकाउंट हैक्ड टू शेयर इथीरियम एयर ड्रॉप स्कैम। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट किया है, अ सीरीज ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजिंग अ फेक एयर ड्रॉप अपियर्ड फ्राइडे मॉर्निंग ऑन आइगन लेयर्स अकाउंट। द मैसेजेस अर्ज ट्विटर यूजर्स टू क्लिक ऑन द लिंक टू आइगन लेयर फाउंडेशन वेबसाइट विच वॉज एक्चुअली एक्चुअली अ फिशिंग लिंक। तो आइगन लेयर, जैसे कि आप जानते हैं, एक इथीरियम स्टेकिंग प्रोटोकॉल है जहाँ पे आप इथीरियम को रीस्टेक कर सकते हैं। और उसका जो ट्विटर अकाउंट था, ट्विटर हैंडल था, एक्स का जो हैंडल था वो हैक हो चुका था, और वहाँ पे जो हैकर्स थे वो पोस्ट कर रहे थे कि आप ये लिंक ओपन करिए तो आपको इथीरियम का एयर ड्रॉप मिलेगा। पर ये काफ़ी जल्दी वेरीफाई हो गया था, फिर वापस से उन्होंने, आइगन लेयर के टीम ने उसे वापस से सिक्योर कर लिया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बिटकॉइन वेल अक्यूमुलेशन मिरर्स 2020 ट्रेंड वेयर BTC रैलीड 550%। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट हाईलाइट किया है क्या? यहाँ पे तो कुछ मैंने हाईलाइट नहीं किया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चार्ट में ये बताने की कोशिश कर रहा है, 2020 में जब बिटकॉइन ने रैली स्टार्ट किया था वो टाइम पे जो वेल्स का होल्डिंग था, और अभी जो वेल्स BTC होल्ड कर रहे हैं वो जो नंबर है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक चीज़ हो सकता है मार्केट के लिए, और मार्केट शायद एक पंप दिखाए। ऑलरेडी ठीक ठाक है अभी, 68,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है BTC, बट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के से थोड़ा पास में, जो ऑल टाइम हाई $73,000 के आसपास है, उसके आसपास है। बट देखते हैं अगले कुछ हफ्तों में शायद हम लोग को
अच्छा ये ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुए दिखे। नेक्स्ट मंथ इलेक्शंस भी है, इलेक्शंस भी ज़्यादा दूर है नहीं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्या होता है। आज का लास्ट न्यूज़, SEC's रिपल अपील डजंट चैलेंज XRP नॉन सिक्योरिटी स्टेटस। तो द यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन्स लेटेस्ट अपील इन दिस केस अगेंस्ट रिपल डजंट चैलेंज टू द कोर्ट्स रूलिंग दैट XRP इज नॉट अ सिक्योरिटी। तो पहले पूरा पढ़ लेते एक बार। अकॉर्डिंग टू द फाइलिंग द SEC's अपील एड्रेस्ड एलिगेशंस अगेंस्ट गार्लिंग हाउस एंड लार्सन arguing the executives violated securities laws by offering and selling XRP and that they aided and abetted Ripple's violations of those provisions. The appeal questions the court's decision to grant partial summary judgment in favor of the defendants, including XRP sales on exchanges, personal sales by Garlinghausen and Larsen, and Ripple's XRP distributions in exchange for non-cash considerations. तो जैसे कि आप जानते ही हैं, SEC ने वापस से कोर्ट में अपील किया है। उसका रीज़न अभी मैं एक्चुअली वेट कर रहा था कि क्या रीज़न है, किस बेसिस पे SEC फिर से अपील करने वाला है। तो उसका रीज़न अभी क्लियर, मतलब बेसिस क्लियरली मालूम चल रहा है। वो लोग ये नहीं अपील कर रहे कि XRP सिक्योरिटी है, जो SEC है वो ये नहीं अपील कर रहा है कि XRP एक सिक्योरिटी है। वो तो लॉ, मतलब वो तो फिक्स है, XRP एक सिक्योरिटी नहीं है, वो एकदम फिक्स है। वो लोग इस बात को अपील कर रहे हैं कि जो जो रिपल का टीम है, जो उनका CEO या CTO गार्लिंग हाउस एंड जो लार्सन है, उन्होंने जो XRP बेचे थे उसको एक क्या बोल सकते हैं, वो लॉ के अगेंस्ट। सो जैसे कि आप जानते हैं, SEC ने XRP के अगेंस्ट फिर से रीअपील किया था कोर्ट में। मैं एक्चुअली वेट कर रहा था रीज़न क्या, किस बेसिस पे वो लोग अपील करने वाले हैं। तो अभी ये क्लियर हो चुका है कि बेसिस क्या है। वो लोग ये नहीं बता रहे, ये बात को अपील नहीं कर रहे कि XRP एक सिक्योरिटी है। XRP एक सिक्योरिटी नहीं है, ये फिक्स हो चुका है, मतलब फाइनल है। जज ने भी ये रूल कर दिया कि XRP एक सिक्योरिटी नहीं है। और SEC भी इस बार उस चीज़ को लेके अपील नहीं कर रही है। SEC इस बार अपील कर रही है कि जो गार्लिंग हाउस एंड लार्सन ने जो XRP टोकन्स या जो बेचे थे ऑन एक्सचेंजेस एंड और अपने पर्सनल उससे भी, पर्सनल सेल्स से भी जो उन्होंने टोकन्स बेचे थे, वो लॉ के अगेंस्ट है। तो उस चीज़ को लेके वो लोग SEC ने कोर्ट में अपील किया है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी हम देखना है रिपल अपना साइड में क्या डिफेंस करता है, कैसे करता है डिफेंस, वो भी एक बार चेक देखना पड़ेगा। अभी अगले 1-2 महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब फिर से 1-2 महीना हम लोग को देखना पड़ेगा ये SEC और रिपल का केस किस डायरेक्शन में जाता है। बट होपफुली XRP के डायरेक्शन में जाए। XRP इतना कुछ कर रहा है, ये लास्ट वीक, एक्चुअली ये वीक में कुछ दिन पहले XRP का स्वेल इवेंट भी हुआ था। मैं उसको भी फॉलो कर रहा था, जहाँ पे उन्होंने इम्पोर्टेंट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो रिपल इकोसिस्टम, XRP इकोसिस्टम या कम्युनिटी के लिए है, वो उन्होंने बताया। काफ़ी अच्छे, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी, मतलब हमको ये दिख रहा है कि XRP अपना पोटेंशियल, XRP का पोटेंशियल क्या है, वो कितना दूर तक जा सकता है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो आपका साउथ एशियन कंट्रीज हो, जो वो XRP रिपल जो मेन कंपनी है, रिपल जो ये सब कंट्रीज के साथ टाई अप्स कर रहा है फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। आपको मालूम चलेगा, अगर आप स्वेल इवेंट को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि रिपल क्या क्या कर रहा है। और ये SEC का जो केस है, उसके वजह से काफ़ी एक हर्डल बनता है ऐसे कंपनी के लिए जो एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेके आ रहा है। तो देखते हैं क्या होता है।
एक बार हम लोग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स भी चेक कर लेते हैं। वाओ नाइस, 73 ग्रीड, यानी मार्केट में ग्रीड चालू हो चुका है। हम लोग होप कर सकते हैं कि अगले कुछ दिन में मार्केट और बढ़ने वाला है, क्योंकि यही सिमिलर रेंज था मार्च में भी जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई लगाया था। देखना अब ये है कि अभी क्या होता है। एक बार पॉली मार्केट का भी प्रेडिक्शंस चेक कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप 60%, कमला हैरिस 40%। ये काफ़ी बायस भी हो सकता है, पर देखते हैं क्या होता है। और तो कुछ खास वजह है नहीं, यही सबसे इंटरेस्टिंग था, डोनाल्ड ट्रंप 60%। तो चलिए दोस्तों, आज का यही इम्पोर्टेंट अपडेट्स था मैं आपको जो देना चाहता था। आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, किसी कॉइन के बारे में आपको रिव्यू चाहिए, किसी कॉइन के ऊपर आपको लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय।